न्याय में जब देर हो जाती है ना तो न्याय नहीं मिलता है। पहलवान बहनों का जो नुकसान हुआ है वो समर्थन से पूर्ति नहीं होगी। जब मैं एक दिन पहले दिन गया, मैंने 3 बोतलें उस दिन पानी की पी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर पानी होना चाहिए, ठंडा पानी, स्वच्छ पानी होना चाहिए। गंगा नदी में जो हरिद्वार गए जो प्रवाह करने, उस चीज का मुझे बहुत दुख है और पूरे देश को दुख है। शाहीनबाग में जब लंगर लगाया था तो काफी लोगों ने परेशान किया था, काफी नोटिस वगैरह आए थे। तो यहाँ अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको नहीं छोड़ा जाता है। तो द्रोणाचार्य रत्न इनको सम्मानित है, गोल्ड मेडलिस्ट सम्मानित है, ये हमारे देश की धरोहर है। गोल्ड मेडल जो होता है वो गोल्ड मेडल हमारा कोहिनूर हीरे के बराबर था। काफी देर हो गई, अगर ये बहुत पहले अगर आ जाता तो बहुत अच्छा होता। नमस्कार, मैं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आपको हमने पिछले जो तमाम दिनों से जो एक खबर थी पहलवानों को लेके, पहलवान बेटियों को लेके, हमने आपको पहले दिन से और आखिरी दिन तक उस खबर से रूबरू कराया। क्या कुछ वहाँ पे हुआ जंतर मंतर पे, किस तरीके से पहलवान बेटियों के साथ हाथापाई की गई, डिटेन किया गया, इन तमाम जो चीज़ें थी विजुअल्स थे वो सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई। लेकिन वहाँ पे किन किन लोगों का योगदान रहा, वहाँ पे जो पानी, खाना और उन जो व्यवस्था थी, जो उन लोग को जो पहलवान बेटियाँ धरना कर रहे थे उसमें जो लोग शरीक हो रहे थे, जो लोग आ रहे थे, उनको जो पानी दिया जा रहा था, खाना दिया जा रहा था, जो सपोर्ट मिल रही थी, वो किन्होंने किया। जहाँ तक पानी की बात है तो उन्होंने DS बिंद्रा जी ने किया, हमारे साथ DS बिंद्रा जी हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आपने तमाम कोशिशें की और आप बैकबोन की तरह से रहे, कहीं ना कहीं आप पहलवान बेटियों के लिए पानी का सप्लाई किया कि जो लोग यहाँ पे समर्थन देने के लिए आ रहे हैं इतनी कड़ी धूप में, उनको चीज़ों की कमी ना हो। और आप, मैंने सुना है और काफ़ी जगहों से देखा भी है कि आपने शाहीनबाग में भी लंगर लगाए थे, तो क्या लग रहा है कि आपने जो कुछ किया उसका कहीं फल मिल रहा है, कहीं कुछ आ रही है रोशनी कि इनको न्याय मिलेगा बेटियों को? देखिए मैडम, पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये एक तो बेटियाँ पहलवान बेटियाँ नहीं है, ये द्रोणाचार्य रत्न इनको सम्मानित है, गोल्ड मेडलिस्ट सम्मानित हैं, ये हमारे देश की धरोहर हैं। जैसे हेरिटेज बिल्डिंगें होती हैं ना हमारे देश की, ऐसे ही ये हेरिटेज हमारे एक धरोहर हैं, जो गोल्ड मेडल जो लेके आए हैं पूरे देश में, जो ओलंपिक्स होते हैं उन पे गोल्ड मेडल लेके आना, मतलब जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसको हम लोग, एक तो होता है कि इंडिया में अगर गोल्ड मेडल आता है तो इंडिया का श्रेष्ठ हुआ, और अगर कोई वर्ल्ड के पूरे ओलंपिक के अंदर अगर कोई गोल्ड मेडल आता है तो वो श्रेष्ठ होता है। जो आपकी श्रेष्ठ धरोहर है, जो आपके देश के जो भावी जो हैं पहलवान बहने जो हमारी वहाँ बैठी थी, वो इस देश की धरोहर थी। हमारा जो एक कोहिनूर हीरा था वो तो चलो UK चला गया, वहाँ पर चला गया, लेकिन जो हमारे यहाँ का कोहिनूर हीरा था, जो हमारी बहनें थी हमारी, जो पहलवान बहनें थी, उनको अगर हमारा देश संभाल के रखता तो बहुत अच्छा लगता। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पहलवान बहनों की बात कर रहा हूँ जो जंतर मंतर पे बैठे थे। नहीं, वो एक अलग बैटर है, लेकिन मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ। लेकिन जो गोल्ड मेडल मैडम होता है ना, गोल्ड मेडल जो होता है वो गोल्ड मेडल हमारा कोहिनूर हीरे के बराबर था, जो एलिजाबेथ जो UK जो जब हमारा देश आजाद हुआ था जो चला गया था। तो क्या कुछ लग रहा है, देखिए जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सरकार इसको बचाने की कोशिश कर रही है, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो तमाम सवाले उठा रहे थे, जनता सवाल उठा रही है, लेकिन अब तो आप लोग खुश हो जाइए कि किस तरीके से जो कपिल देव थे, जिन्होंने क्रिकेट पहला क्रिकेट मैच खेला था, वर्ल्ड कप जिताया था, उनका भी समर्थन मिल गया है, वर्ल्ड रेसलर का जो फेडरेशन है उसका भी समर्थन मिल गया है, और जो संत जहाँ पर ब्रिजभूषण जाने वाले थे संतों के उसमें सभा में, उन्होंने भी संतों ने रद्द कर दिया, मना कर दिया। आप तो सब संतों से मैडम, देखिए समर्थन से उनका पूर्ति नहीं होगी। जो नुकसान हुआ है ना पहलवान बहनों का, जो नुकसान हुआ है वो समर्थन से पूर्ति नहीं होगी। उनकी एक ही डिमांड थी कि ब्रिजभूषण जी को गिरफ्तार किया जाए, और ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 38 आपराधिक मामले उनके ऊपर ऑलरेडी पेंडिंग है, जिनके ऊपर अभी चल रहा है, जो अलग अलग क्षेत्रों में है। और ये अगर कोई बात थी तो ये एक मान सम्मान की बात थी। आप एक तरफ कहते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी बचाओ किससे? अपने ही अगर MP उनके अगर बेटियों को अगर ऐसे कर रहे हैं और वो अगर आवाज़ उठा रही हैं, तो आप उनके साथ खड़े ना होने के बजाय उनका जो आप अभियान जो अब जंतर मंतर पे हुआ, जो उनके साथ जो लाठीचार्ज हुआ, जो उनको एक मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मतलब एक कीड़े मकोड़े की तरह उनको घसीटा गया, उठा उठा के बसों में डाला गया, और उसके बाद जो उनको पदक अपने जो पदक उनको जो मिले थे, जो सम्मान मिला था, जो वर्ल्ड
जो ओलंपिक के अंदर जो उनको गोल्ड मेडल मिले थे, जब वो पदक जो प्रवाह करने गए नदी में, जो गंगा नदी में जो हरिद्वार गए जो प्रवाह करने, उस चीज़ का मुझे बहुत दुख है और पूरे देश को दुख है कि अगर इस पदक की अगर वैल्यू ब्रिजभूषण जी ने और लोगों ने तमाम ने 15-15 रुपये लगाई थी, तो मैं यहाँ पर एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो मिलिट्री में जो शहीद होते हैं, जो सेना में जो शहीद होते हैं, जिनके बच्चे शहीद हो जाते हैं, जिसमें जो जब जंगे होती हैं जो शहीद हो जाते हैं, तो जो आप पदक देते हैं, जो उनको मेडल देते हैं, तो उनकी कीमत क्या आप लगाएंगे फिर? सही कहा आपने। लेकिन आपने देखा कि अभी तमाम चीजें हो रही है, ब्रिजभूषण पे कार्रवाई भी की जा रही है, तो आप क्या, आप तो ठीक है ना? आप मैडम, कार्रवाई तो ये पहले दिन भी हो सकती थी, ये इतना इसको लंबित करने की क्या जरूरत थी? तो वो सांसद है ना, यूं ही आप किसी पे, सांसद पब्लिक से होता है, पब्लिक वोट करती है, वो सांसद बनते हैं, संसद कोई पैदा होकर नहीं आता है, पब्लिक ही उनको करती है, पब्लिक ही उनको बनाती है। और अगर अगर ये बहनें अगर यहाँ अगर कुछ हमारी जो पहलवान बहनें थी और जो पहलवान रेसलर थे हमारे, जो जितने भी वहाँ बैठे थे जंतर मंतर में, मैंने सबके नज़दीक में जाके देखा, क्योंकि मैंने वहाँ पानी की छबी लगा रखी थी, वहाँ मीठे पानी की शरबत का वहाँ पे मैंने इंतजाम किया हुआ था, और घर पे मैं, मेरे पास फ्रिज था तो मैं उसी में बर्फ जमा के अपनी ले जाता था, क्योंकि कल फिर आएगा कि ये फंडिंग कहाँ से है, तो मैं इसलिए आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ। घर में हमने अपनी बर्फ जो जमाते थे उसी में आर ओ का वाटर जो अपने उसमें लगा के अपना जो है फ्रिज में हम लोग उसको जमा के लाते थे, क्योंकि हमें वहाँ पर जो है अच्छा पानी देना था पहलवानों को, और वो अच्छा रहा 20-22 दिन हमारा, 22 दिन हमारा चला, और अभी क्या धरना समाप्त हो गया तो उसको हमने समाप्त कर दिया, तो दोबारा अगर हम फिर धरना लगेगा तो फिर हम पानी की छबील लगाएंगे वहाँ पर। तो इसी तरीके से जो लोग फंडिंग की बात करते हैं, इसी तरीके से कोई लोग हैं, खैर सिखों का तो बहुत बड़ा बलिदान रहा है हमारे भारत को आज़ाद कराने में, भारत की जो तमाम चीज़ें हुई हैं, सिख उसके जीते जागते एग्जाम्पल हैं कि किस तरीके से इनके गुरुओं ने हमारे देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। हालांकि इन्होंने पानी वहाँ पर सप्लाई किया, जितने भी दिन एक महीने से ज़्यादा वहाँ पर धरना रहा इन्होंने पानी दिया, और तमाम लोग, कुछ लोग खाना दे रहे थे, कुछ लोग चना ले कर आ रहे थे जो किसान थे। लेकिन सवाल यहाँ पे आता है कि जब पहलवान बेटियों का, आपने FIR देखा होगा, FIR में क्या कुछ लिखा हुआ है? मैडम देखिए, FIR में तो काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और बहुत संगीन, अगर अगर देखा जाए तो बहुत संगीन उनमें दफाएँ हैं, और अगर उन दफाओं के ऊपर किया जाए तो काफ़ी उसमें एलिगेशंस बनते हैं। लेकिन मतलब इस तरीके से मैं बोल भी नहीं सकती क्योंकि इतने तरीके से बोला गया है, उसमें आता है सारी चीज़ें आती हैं उसमें। देखिए मैडम, देखिए अगर कोई आजकल आप एक रिक्शे वाले को चाटा मार दे तो आपके ऊपर FIR हो जाती है, ठीक है, आपको SHO साहब और पुलिस वाले उठा के आपको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने शाहीनबाग में जब लंगर लगाया था तो काफ़ी लोगों ने परेशान किया था, काफ़ी नोटिस वगैरह आए थे, तो यहाँ अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको नहीं छोड़ा जाता है। तो ये तो फिर जब एक, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, नारी चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे चाहे देश की नागरिक हो, चाहे किसी देश की नागरिक हो, कहीं के भी हों, बात है नारी की। अगर एक नारी कह रही है कि उसके साथ कोई असॉल्ट हुआ है, उसके साथ कोई गलत काम हुआ है, तो उसके ऊपर सबसे पहले जो है इनको लेना चाहिए था, इनको आगे आके लेना चाहिए था। इसी से हम मानते हैं कि ये जो है नारी बचाओ देश, नहीं, नारी और बच्चों की मंत्री रही हैं, अभी हैं वर्तमान में स्मृति ईरानी जी, वो महिलाओं के लिए बोलती भी हैं, बोलती आ रही हैं, उन्होंने भी कहा है कि कानून अपनी कार्रवाई कर रही है, जो भी होगा बाद में देखेंगे। अगर ये पदक नदी में बहा दिए जाते हैं, अगर गंगा जमुना में, गंगा में अगर हरिद्वार में पदक बहा दिए जाते, तो मैडम किसको, किसके लिए ये शर्म की बात थी? जिन रेसलर्स ने अपनी सारी ज़िंदगी लगा दी एक पदक को लाने के लिए, और वो पदक छोटा पदक नहीं, गोल्ड मेडल था, ओलंपिक का गोल्ड मेडल था, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। मैंने आपसे, मैडम पॉलिटिकल स्टंट नहीं है ये एक आत्मसम्मान की बात है, एक एक अपनी एक अपनी एक गरिमा की बात है, एक अपने, जब हम लोग जब किसी एक शीर्ष स्थान पे पहुंच जाते हैं ना, आपने कहा ना वो MP हैं तो MP हैं, तो अगर वो MP की अगर होंद रखते हैं तो ये पहलवान भी जो है एक रेसलर की होंद रखते हैं, और ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक के ये पदक विजेता हैं, ये हमारे देश की धरोहर हैं। तो दोनों तरफ बैलेंस करके चलना चाहिए था हमें, हमारी सरकारों को, राजा को देखना चाहिए, हमारी प्रजा अगर परेशान है तो उनको बीच में पढ़ना चाहिए था, बीच में बैठ के उनको बात करानी चाहिए थी, पहलवानों से बात करनी चाहिए थी, ये इस पोजिशन पर नहीं लाना चाहिए था कि पदक उनको गंगा में बहाने पड़े। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है और बड़ी शर्मनाक बात है हमारे देश के लिए। ये मैं पहलवानों की बात नहीं करता हूँ, जो पदक विजेता है उनके लिए करता हूँ। हमारे मिलिट्री के अंदर जब शहीद होते हैं, सेना के अंदर जब शहीद होते हैं, तो उनको एक पदक से सम्मानित किया जाता है, उनके घर वालों को, बीवी को, बच्चों को बुलाया जाता है और उनको पदक से सम्मानित किया जाता है। ये पदक उसके बराबर का ही पदक है, मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगा, लेकिन ये पदक भी हमारा सम्मानित है जैसे। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि अभी जिस प्रकार से सारे लोग ब्रिजभूषण के खिलाफ भी बोल रहे हैं, संतों ने बहिष्कार कर दिया है, और जो प्लेयर्स रह चुके हैं उन्होंने भी समर्थन दिया है, लेकिन हाँ
काफी देर हो गई है, काफी देर हो गई। अगर ये बहुत पहले अगर आ जाता तो बहुत अच्छा होता, हमारा देश जो है इस चीजों को नहीं देखता। न्याय नहीं मिलेगा? नहीं, न्याय देखिए मैडम, न्याय न्याय में जब देर हो जाती है ना तो न्याय नहीं मिलता है। जब आदमी को जब जब आपके साथ इंसिडेंट होता है तभी न्याय मिले। तो अगर आपको न्याय के लिए आपके ऊपर FIR हो जाए, जो जंतर मंतव्य जो पहलवंत है उनके ऊपर उल्टी FIR हो जाए, आप एक तो न्याय मांगने जा रहे हो और आपके ऊपर FIR हो जाए और आपको उल्टा जो है आपको चार्ज आपके फ्रेम कर दिया जाए, तो ये न्याय नहीं हुआ ना, ये तो क्रॉस FIR हो गई। जैसे पुलिस का होता है कि क्रॉस FIR कर दो दोनों पार्टियों को। उग्र हरकत नहीं की, वो शांतिपूर्वक बैठे थे और वो जो है वहाँ से जंतर मंतर पे ही अपना पैदल मार्च कर रहे थे। नहीं, उग्र, तो ये शोभनीय है जिस जो संसद भवन पूरे विश्व में भी परचम लहरा रहा है कि इस तरीके का संसद भवन बनाया गया है, डिजिटल संसद भवन है, उसमें तमाम तरीके की चीजें हैं, वास्तु का ध्यान रखा गया है, और जिस दिन उद्घाटन करने वाले थे उसी दिन पहलवानों को क्या ऐसा प्रदर्शन नहीं, करना नहीं, चाहिए? उसी दिन की बात नहीं है, उनको उनका देखो वो भी सम्मानित हैं, वो भी सम्मानित सदस्य हैं इस देश के, जिनको गोल्ड मेडल मिला है ओलंपिक का, वो कोई आम आदमी नहीं है। अगर वो अगर संसद की तरफ जाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। संसद किसके लिए बनी है? पब्लिक के लिए बनी है ना। पब्लिक के MP उसमें बैठेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे, और उसमें कौन बैठेगा? पब्लिक के नुमाइंदे तो बैठेंगे। भूषण सिंह भी वहां गए थे, तो भी अगले MP हैं तो जाएंगे, वो तो जाहिर सी बात है कि आपको लग रहा है गिरफ्तारी नहीं होगी? नहीं, गिरफ्तारी किसकी? ब्रिजभूषण साहब उनकी, देखो उनकी गिरफ्तारी हो ना हो, लेकिन ये देश जो ऐसा मुद्दा बन चुका हुआ है इस टाइम जो आने वाले जो बच्चे हैं, जो आज तैयारी कर रहे रेसलर्स की, जो अभी छोटे हैं, जो जूनियर जो पहलवान है, उनके दिमाग में एक संशय पैदा हो गया है कि इतना बड़ा पदक लेने के बाद साक्षी फोगाट और ब्रज ये जो नाम थे ये एक ब्रांड थे। जैसे आपने कहा कपिल देव जी भी अब उनके समर्थन में आ गए हैं, तो जो नई आने वाली जो होंद है ना, जो बच्चे आने वाले हैं, जो कल पहलवान बनते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट के लिए गोल्ड के लिए जाते हैं या जो ओलंपिक के लिए पहलवान जाते हैं, उनके मानसिक उनका जो दिमाग है ना, उनके अंदर एक चीज़ आ गई है कि इस शीर्ष पर जाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत अफसोस है कि उन बच्चों के ऊपर ये असर ना पड़ जाए कि क्या होता क्या है। अगर गोल्ड मेडलिस्ट ले भी लिया तो क्या 15 रुपये का मेडल है, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो उनके लिए ये मैसेज गलत है। आने वाला जो हमारा एक जो युग है, जो हमारे बच्चे जो आने वाले थे, जो आगे पहलवान बनते, चाहे जो क्रिकेट में चाहे बनते, चाहे और किसी भी हॉकी में बनते या कबड्डी में बनते, उनके लिए एक डर मानसिकता उनकी पैदा हो गई है कि पहलवानों की कोई वैल्यू नहीं है, पदक की कोई वैल्यू नहीं है, इस पदक का सम्मान कम हो गया। हम जैसे सोचते थे कि गोल्ड मेडल ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल हम लोग देखते थे छोटे होते थे कि गोल्ड मेडल मिल गया, गोल्ड तालियां बजाते थे, खुश होते थे। आज वही गोल्ड मेडल हमें पता लगा कि 15 रुपये का है। मैं तो उसे बहुत समझता था शायद गोल्ड होगा, उसमें सोना होगा, लेकिन आप बोलने से आप 15 रुपये का मान लेंगे? नहीं देखिए, अब उन्होंने जिन्होंने दिया है वो 15 रुपये बता रहे हैं। अब हमने तो कभी हाथ पे लेके देखा नहीं, हमें तो गोल्ड मेडल मिला नहीं कभी हमारे गले में पड़ा होता तो जी। हालांकि उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है उनका वो हमेशा करेंगी, और गोल्ड मेडल का हमारे नज़र में प्राइसलेस है, उसका कोई प्राइस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि सिर्फ वही है जो विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया है, और भारत की बेटी ने इस मुकाम पे हमारे भारत को पहुंचाया है, जहां पे जब विदेशों के लोग वहां पे आए थे तो सिर्फ इंडिया का तिरंगा सबसे ऊंचा लहरा सिर्फ उस बेटियों की वजह से। हालांकि आपको अभी पता चला है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि रद्द कर दिया गया है जो सभा था ब्रिजभूषण सरन सिंह का, इन्होंने नहीं रद्द नहीं कर दिया गया है। एक्चुअली क्या था कि अगर वो निकलता तो उसका विरोध होता और उसमें लोग नहीं आते, क्योंकि खाप पंचायतों ने भी 9 तारीख का अल्टीमेटम दे दिया हुआ है, और अगर वो निकलता और वो अगर फ्लॉप हो जाता तो इसमें सीधा सीधा जो है ब्रिजभूषण और जो जितने भी तमाम लोग हैं उनकी जो है वो पोल खुल जाती, और वो इसलिए उसको रद्द किया गया कि उसमें जो है शक्ति प्रदर्शन ना होता, लोग कम आते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको जी। चलो जो भी था, ब्रिजभूषण सरन सिंह ने उस पे बहुत बड़ा नोट भी लिख के जारी किया अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन सवाल एक जगह आके खड़ा उठ रहा है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत देरी हो चुकी है, हालांकि इस कानून की प्रक्रिया में कार्रवाई में टाइम लगती है, वक्त लगता है, जांच होना चाहिए, जांच का विषय था, जांच हो रहा था तो वक्त तो लगता है, लेकिन जिस तरीके से इस बीच में पहलवान बेटियों के साथ कभी बिस्तर के लिए कभी वहाँ जाने के लिए जो हुआ है, मतलब संसद भवन के घिराव के लिए जब जा रही थी वहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें हुई हैं वो निंदनीय है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए था, लेकिन तमाम जो खिलाड़ी थे जैसे कि PT उषा और अनुराग ठाकुर आके कहे थे कि आप लोगों को इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हमारे साथ जो थे इन्होंने
काफ़ी कुछ किया है बेटी के पहल, बेटियां जब वहां पे प्रदर्शन कर रही थी उसमें पानी दिया इन्होंने, और इसी तरीके से जो लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से अपना समर्थन दे रहे, कोई बोल के। एक चीज़ ऐड करता हूँ, पानी और जो छबील होती है शरबत जिसको बोलते हैं, ये हमारे सिख धर्म का जो है ना एक पहचान है। हमारे सिख खालसा पंथ की जब स्थापना हुई थी तो दो मिली थी हमें, बलिदान और सेवा। बलिदान हम लोग बॉर्डर पे देते हैं जब वहाँ पे सिख रेजिमेंट शहीद होती है, और सेवा हम लोग यहाँ करते हैं। हम लोग ऑलरेडी जो शरबत है ये हम लोग गुरुद्वारे के बाहर भी लगाते हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर भी लगाते हैं, और तमाम जगह पे लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर इसलिए लगाया था कि वहाँ पर बहुत तरह के लोग आते हैं, किसानों से गरीब आदमी भी आ रहे थे, अमीर आदमी भी आ रहे थे। वहाँ 20 रुपये की पानी की बोतल मिल रही थी, 40 रुपये की कोल्ड ड्रिंक की बोतल मिल रही थी। जब मैं एक दिन पहले दिन गया, मैंने 3 बोतलें उस दिन पानी की पी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर पानी होना चाहिए, ठंडा पानी, स्वच्छ पानी होना चाहिए। तो मैंने वहाँ फिर पानी का इंतजाम किया, घर से बर्फ़ जमाई हमने फ्रिज में, घर फ्रिज में जमा के हम लोग पानी लेके गए, वहाँ ठंडा पानी की हमने सेवा की। देखिए सवाल तो उठ रहा है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, आप लोग जुड़े हुए थे हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे चैनल पे आपने बहुत सारे कमेंट्स भी किए, अपना समर्थन भी जाहिर किया, और बहुत लोग विरोध में भी हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, पहलवान बेटियां अगर होंगी वो अगर गलत होंगी तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ब्रिजभूषण सरल सिंह गलत होगा वो भी उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हम और आप जज ना बने तो बेहतर होगा। आप लोगों की हमारी बातचीत पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।